रेसिपीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय मोड में हैं। ऐसे में राजद की तरफ से भी चुनावी शंखनाद कर दिया गया है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक गया में आयोजित की गई, जिसमें राजद के कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से देश की आजादी के वक्त वीर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी थी, ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के नेता और कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं और देश को भाजपा मुक्त बनाने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत, चलिए आपको सुनाते हैं। आज गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं बैठक में बुलाई गई थी और जो नए पदाधिकारी बने हैं उनको सर्टिफिकेट का वितरण इस जिम्मेवारी के साथ दी गई है कि देश जो है विकट परिस्थिति से गुजर रही है। देश में जाति धर्म की बोलचाल जो है ज्यादा बढ़ गई है। देश के युवा बेरोजगार हैं, देश के अकलियत सहमे हुए हैं, देश के पिछड़ा दलित सहमे हुए हैं। चूंकि देश की आजादी सब लोगों ने मिलकर लड़ी थी, यह देश सबका है। इस देश का एक भी ऐसा कोई कोना नहीं जिसके मिट्टी से सभी जाति धर्मों की खुशबू नहीं आती है। यह खुशबू इस देश में कैसे बना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी अपने सिपाही को तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से देश आजाद को लड़ने के लिए, आज़ादी को लड़ने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दिया था, उसी प्रकार से अब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। हर हालत में यह देश बचेगा, हर हालत में इस देश के नौजवानों को चेहरे पे मुस्कुराहट आएगा और यह जो लड़ाई है यह देश के नौजवानों के साथ साथ देश के तमाम पत्रकारों की आज़ादी की लड़ाई अब लड़े नहीं, हम लोग लड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से देश में पत्रकार जो है उसके हाथ में, कैमरे में, उसके लिखावट में जंजीरें जो है बांधी जा रही है, उसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए कि देश का हर पत्रकार आज़ाद हो, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने जो है कमर कसा है। देश के युवाओं के लिए, देश के सभी जाति धर्मों के लिए हम जो है तैयारी करने में जुट गए हैं और हर हालत में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता देश के गरीब गुरबा अकलियत के साथ ही सब मिलकर के इस देश में खुशहाली लाने का माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे और लड़ेंगे। इसी के लिए तो सुना आपने, इन्होंने साफ साफ भाजपा पर हमला बोला और भाजपा पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा उठाया। इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा की सरकार में गरीब त्रस्त हो चुके हैं, जो युवा हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे में देश की जनता अब भाजपा मुक्त होना चाहती है, जिसको लेकर बैठक बुलाई गई है और ऐसे में राजद के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं ताकि आने वाले चुनाव में वे अपना दमखम दिखा सके। बहरहाल बयानबाजी का दौर भी तेज हो चुका है और अगले साल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां भाजपा पर हमलावर हो गई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे लाइफ स्टीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।